कहा जाता है कि व्यक्ति अगर ठान ले तो हर काम करना आसान है। ऐसा ही जज्बा और हिम्मत राजस्थान से भारत भ्रमण पर निकले एक दंपति का सेगांव आगमन हुआ। यह दोनों पति पत्नी भारत भ्रमण और देश के धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए पैदल 13 मार्च 2019 से राजस्थान से नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के दर्शन के बाद रवाना हुए हैं। पैदल दंपति भवानी सिंह राजपूत और उनकी पत्नी सुमन कुंवर ने बताया कि हमने 26 माह की यात्रा में 19,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली और हम अभी और 11,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके द्वारका जी होते हुए वापस राजस्थान पहुंचेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन करना है। अभी हमारे संपर्क में 700 परिवार के लोग आए हैं जिन्होंने हमें पूरा भरपूर स्नेह दिया है। इस दौरान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भाषा की परेशानी आई थी लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। इस ईश्वर ने हमें प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में सुख समृद्धि रहे। आज हम सेगांव के ओंकारेश्वर उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन के बाद आगे रवाना होंगे। संभवतः ये यात्रा अगस्त में समाप्त हो जाएगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आपने अभी तक कितनी पैदल यात्रा तय की? अभी हम करीबन 19,000 किलोमीटर चल चुके हैं यहाँ तक। कहाँ से आपने यात्रा शुरू की? हम जयपुर राजस्थान से 13 मार्च 2019 को स्टार्ट किया था यात्रा। वहाँ से खाटू श्याम जी गए थे। खाटू श्याम जी से हरियाणा होते हुए उधर पंजाब होते जम्मू वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी से कश्मीर अमरनाथ, अमरनाथ के दर्शन करते हुए मणिमहेश गए थे हिमाचल में। हिमाचल के बाद हिमाचल में जितने भी देवी गए उनके दर्शन करके उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गए थे, अयोध्या, प्रयाग, काशी, चित्रकूट, बनारस। उसके बाद बिहार में गया जी होते पटना होते हुए नेपाल में गए थे पशुपतिनाथ, काठमांडू। आपने भारत भ्रमण का क्यों सोचा, क्या कारण कि आप भारत भ्रमण पर निकले? भारत में जितने भी देवी स्थान हैं, धार्मिक स्थान हैं, जितने भी उनके दर्शन कर रहे हैं पैदल चल के। तो आप नंगे पैर ही चलते हैं? हाँ, नंगे पाँव। एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं? एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं। अभी कहाँ तक यात्रा और करने का उद्देश्य है आपका? अभी इधर तो हम कन्याकुमारी तक जाके आए हैं। अब आगे यहाँ से उज्जैन, ओमकारेश्वर से उज्जैन, उज्जैन के बाद द्वारिका होते फिर रास्ता निकलेंगे। क्या नाम लिखते हैं? भवानी सिंह। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।